और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं TVS APACHE RTR 160 को TVS APACHE RTR 164V से। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अब दोनों ही बाइकों में आपको ABS मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS आपको इन दोनों में ही मिलता है, जिसके कारण जो सेफ्टी लेवल है वो इन दोनों का ही बढ़ जाता है। अगर बाइक के लुक्स को देखा जाए तो जो RTR 164V का लुक्स और डिजाइन है, उसको सेम RTR 204V की इंस्पिरेशन लेकर डिजाइन किया गया है, जिसके कारण जो बाइक का लुक है वो काफी मस्कुलर स्पोर्टी दिखता है। यही बात की जाए APACHE RTR 160 की, तो उसका जो लुक है वो ओल्ड हो चुका है और जो डिजाइन है वो काफी समय से चलता आ रहा है। लेकिन अभी जो RTR 160 ABS वाला एडिशन आया है, उसके डिजाइन में कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन लुक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। जैसे कि इसमें आपको TVS हॉर्स का 3D एनवलप मिलता है, ग्राफिक्स आपको RTR 180 से मिलता जुलता मिलता है, और 2 से 3 नए डश की फिनिशिंग में आपको कलर्स मिल जाएंगे, जो बाइक को एक सुंदर लुक देने में हेल्प कराते हैं। दोस्तों, प्राइस के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही बाइकों में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स में आपको ये बाइक्स मिलती हैं। लेकिन इन्हीं दोनों बाइक के प्राइस के बारे में बात किया जाए तो जो डुअल डिस्क ABS APACHE RTR 164V का प्राइस है वो है 108,000 ऑन रोड दिल्ली, और जो RTR 160 डुअल डिस्क विद ABS की जो प्राइस है वो है 103,000 ऑन रोड दिल्ली। और बाकी वेरिएंट्स की प्राइस आप अपने नियर बाय TVS शोरूम पर पता लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया की सबसे पहली और अभी तक की सबसे सस्ती सिंगल चैनल ABS वाली बाइक APACHE RTR 160 ही है। तो अगर आपका बजट कम है और आपको ABS वाली बाइक चाहिए तो RTR 160 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, दोनों ही बाइक्स के इंजन पावर के बारे में बात किया जाए तो RTR 164V में आपको 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड SI कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 16.8 PS एट 8000 RPM की पावर और 14.8 न्यूटन मीटर एट 6500 RPM का टॉर्क मिलता है। यही बात किया जाए RTR 160 के इंजन पावर के बारे में, तो इसमें भी आपको सेम 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड कार्बोरेटर SI इंजन मिलता है, जिसमें आपको 15.12 PS एट 8000 RPM की पावर और 13.03 न्यूटन मीटर एट 6500 RPM का टॉर्क मिलता है। तो दोस्तों, RTR 164V का सिर्फ 1 BHP पावर ज्यादा है RTR 160 से। तो अगर पावर और स्पीड को मैच किया जाए तो दोनों की स्पीड लगभग सेम ही होगी। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो RTR 164V में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, उसमें आपको आपका स्पीडोमीटर, टोटल ट्रिप मीटर, आपका RPM मीटर, ये सब बता दिया जाता है बेसिक सा। और RTR 160 में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें एनालॉग मीटर में आपका टोटल RPM बता दिया जाता है और डिजिटल मीटर में आपका टोटल स्पीड, क्लॉक और आपका ट्रिप मीटर, ये सारा बेसिक सा सब कुछ बता दिया जाता है। दोस्तों, सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स के बारे में बात किया जाए जो आपकी बाइक को सेफ रखे और आपको भी सेफ रखे, तो पहला ABS जो आपको दोनों ही बाइकों में मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मेन सेफ्टी रिलेटेड फीचर है। दूसरा दोस्तों, RTR 164V में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिससे अगर आपकी बाइक गिर जाती है तो इंडिकेटर्स टूटते नहीं हैं, जो कि एक अच्छा सेफ्टी रिलेटेड फीचर है बाइक के लिए। लेकिन RTR 160 में आपको फिक्स्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिससे अगर आपकी बाइक गिर जाती है तो इंडिकेटर्स टूटने की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा दोस्तों, RTR 164V में आपको एक सस्पेंशन गार्ड मिलता है, एक प्लास्टिक फाइबर का, जो आपकी बाइक को बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स पर फोर्सली अप डाउन होने से प्रोटेक्ट करता है और ऑयल की लीकेज होने से भी रोकता है। और RTR 160 में आपको सस्पेंशन गार्ड नहीं मिलता है, जिससे अगर आपकी बाइक स्पीड ब्रेकर्स पर फोर्सली अप डाउन होगी तो ऑयल लीकेज और सस्पेंशन डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बेटर यही होगा कि अगर आपको एक सेफ्टी रिलेटेड बाइक चाहिए तो RTR 164V एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, माइलेज के बारे में बात किया जाए तो माइलेज एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक को मेंटेन कर रहे हो। अगर आप अपनी बाइक को रफ ड्राइव दोगे तो आपकी बाइक आपको बहुत ही कम माइलेज देगी, लेकिन अगर आप अपनी बाइक का अच्छे से मेंटेनेंस रखोगे, उसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग दोगे, उसको इकोनॉमी पर ड्राइव करोगे, तो आपकी बाइक आपको बहुत ही अच्छा माइलेज दे देगी। और दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर रिस्पॉन्स देते हैं कि भाई मेरी APACHE RTR 160 बहुत ही अच्छा माइलेज दे रही है RTR 164V के मुकाबले। तो दोस्तों, ये बहुत ही सही बात है, RTR 160 से आप एक अच्छा माइलेज गेन कर सकते हो। बाकी ओवरऑल लुक देखा जाए तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है और आपका बजट कम है और आपको एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए,
तो RTR 164 भी एक आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो आपके इंप्रेशन को भी अच्छा हाई लेवल तक लेकर जाएगी। और अगर आपको एक माइलेज वाली बाइक चाहिए तो मैं आपको कहूंगा कि आप RTR 160 की ओर जाएं। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग की रोजाना ऐसी ही वीडियोज लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।